उसके बाद आप आए थे, किस मकसद से आए थे और क्या हुआ? अस्सलाम वालेकुम बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज हम जमीयत उलमा अहमदाबाद की जानिब से कलेक्टर श्री की मुलाकात के लिए आए थे और उनके सामने हमने दो मुद्दे रखे। तो अभी पिछले दिनों भरूच के वागरा में, सावरकांठा में और गुजरात के कुछ इलाकों में दावत और तबलीग के खिलाफ, तबलीग जमात के खिलाफ और तबलीग जमात के साथ साथ दारुल उलूम देवबंद और जमीयत के खिलाफ कुछ लोगों ने आवेदन पत्र दिया कि दावत और तबलीग के ऊपर, जमीयत उलमा हिंद के ऊपर, दारुल उलूम देवबंद के ऊपर पाबंदी लगानी चाहिए। तो हम लोग हमारी मुकम्मल हिमायत और यकजहती का ऐलान लेकर कि तबलीग जमात, दावत और तबलीग, जमीयत उलमा हिंद, दारुल उलूम देवबंद, ये सब हमारे इदारे हैं और हमारी पूरी पूरी हिमायत और यकजहती उनके साथ हैं। हम उनकी हिमायत में और जो कुछ गलत लोग हैं, जिनमें एक मशहूर नाम डॉक्टर प्रवीण तोगड़िया का भी है, वो हाशिए से बाहर आने के लिए बार बार इस तरह की नौटंकी किया करते हैं। एक मरतबा उन्होंने मरने का भी नाटक किया था। उनका मकसद सिर्फ हाशिए से बाहर आना है, इसलिए कि हिंदू समाज भी उनको बहुत अच्छी तरह से पहचान गया है। तो कुछ नौटंकी बाज और कुछ नफरती छिंटू जो इस तरह की बातें उछालते रहते हैं, उनके खिलाफ़ हम कलेक्टर श्री को आवेदन देने के लिए आए थे और हमने अपनी बात रखी। तो ये तीनों जो संस्थाएँ, दावत और तबलीग हैं, जमीयत उलमा हिंद है और दारुल उलूम देवबंद और सारे ही मदारिस, ये प्यार, मोहब्बत, कौमी एकता, सद्भावना, अच्छे अखलाक और एक मुसलमान, अच्छा मुसलमान के साथ साथ अच्छा भारतीय बनाने का काम करते हैं और इनके खिलाफ ये जो साजिश होती है बंद होनी चाहिए। और इस तरह जो नफरत अंगेज बातें इनके खिलाफ़ करते हैं, उनके खिलाफ़ सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। दूसरा मुद्दा हमने रखा था पिछले दिनों 17 तारीख से 19 तारीख तक, 20 तारीख तक, 3-4 रोज़ उत्तराखंड के हरिद्वार के अंदर धर्म संसद नाम का एक प्रोग्राम हुआ जिसमें बहुत सारे साधु संतों ने हिस्सा लिया था। उसमें एक आदमी दीपक त्यागी नाम है, जो अपने आप को यदि नरसिंहानंद कहते हैं और महामंडलेश्वर से अपना तारुफ करवाते हैं, पिछले कई महीनों से ये मुसलमानों के खिलाफ मुसलसल नफरत आमेज बातें किया करते थे। इस मरतबा उन्होंने सारी हदें पार कर दी और मुसलमानों का कत्लेआम, नेहरी मनमोहन सिंह जी को भी मारने की बात कही और मुसलमानों का कत्लेआम करने की बात कही और सत्यमेव जयते का जो एक प्यारा नारा है वो नारा बदलकर सत्यमेव जयते का नारा देने की बात कही और लोगों को ये कहा कि मुसलमानों के कत्लेआम के लिए तैयार रहना चाहिए। और भी कुछ लोगों ने इस तरह का बकवास किया है और इन बकवासों के सामने, ऐसी उश्केरीजनक और इश्तियाल अंगेज भाषणों के सामने हुकूमत की, शासन की, प्रशासन की खामोशी ये बड़ा ख़तरनाक पैगाम पहुंचाती है। इसलिए हम एक बात लेकर आए थे कि भारतीय धारा की जो भी संहिता है, दंड संहिता है, उसके तहत इनके खिलाफ कानूनी एक्शन होना चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए, जेल होनी चाहिए और सख्त से सख्त सजा इनको सुनानी चाहिए ताकि लोगों का कानून के अंदर और शासन प्रशासन के अंदर लोगों का विश्वास बाकी रहे। इसलिए जो मुनासिब इकदाम है कानून के तहत इनके खिलाफ होने चाहिए। मेरे साथ जमात इस्लामी से इकराम भाई मिर्ज़ा भी हैं, वो भी अपनी बात रखेंगे। आज जो हमारे आने का मकसद था, भरूच के वागरा के इलाके में तबलीग जमात, जमीयत उलमा हिंद और देवबंद मदरसे के ख़िलाफ़ कुछ शरारती लोगों ने उसका इतिहास न जानते हुए एक शरारती टिप्पणी की और उस पर पाबंदी लगाने की कोशिश की, एक मेमोरेंडम दिया जिसकी मुखालफत कर रहे हैं। और उसमें ये कि उनको ये यहाँ कलेक्टर साहब से हम ये बता रहे हैं कि जमीयत उलमा हिंद जो है वो कोई ऐसी तंजीम नहीं है कि अभी खड़ी कर ली गई है, 100 साल पुरानी तंजीम है और उसने आज़ादी के लिए अपने उलमा इकराम की कुर्बानियाँ दी हैं। हज़ारों उलमा इकराम जो है उनकी कुर्बानियों से ये मुल्क आज़ाद हुआ है और ये सारी बातें भी रखी गई। उसके साथ साथ जो है हरिद्वार में जो एक महाराज है जो अपने आप को महामंडलेश्वर कहते हैं, प्रबोधानंद जी एक हैं और एक अति नित्यानंद करके हैं, जो मुसलसल कई महीनों से जो है शरारती काम कर रहे हैं मुसलमानों के ख़िलाफ़ और ख़ास करके वो मुल्क की यकजहती के लिए ख़तरा हो गए हैं। इस बार तो उन्होंने हद कर दी कि उन्होंने हमारे हिंदू भाइयों को जो और कुछ ऐसे लोग जो मुसलमानों के साथ
अच्छे ताल्लुकात भी रखते हैं उनको कोशिश करी है कि उनको प्रवोक किया जाए, और उनसे ये कहा गया है कि भाई आप हथियार रखिए, और इनका जो है कि बर्मा में जिस तरह से क्लिनसिंग मुसलमानों का वो हुआ, रोहिंग्याओं का मुसलमानों का, उसी तरह का यहाँ हिंदुस्तान में होना चाहिए और मुसलमानों का खात्मा होना चाहिए। ये सारी चीज़ें जो हैं हमने कलेक्टर साहब को बताया कि ये हमारे मुल्क के एकता के लिए ख़तरा है, हमारा मुल्क एक बहुत बड़ी बीमारी से को सामने झेल रहा है, उसके साथ साथ पड़ोसी मुल्कों के लिए का भी ख़तरा है, कश्मीर अपने पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान और चीन जो है कि अरुणाचल प्रदेश पे अपना कब्ज़ा जमाने की कोशिश कर रहा है, और उस इन हालात में हमारे मुल्क में जो है इस तरह के तफरका पैदा करने वाले लोग अगर ये चीज़ें करेंगे तो ये हमारे मुल्क के लिए ख़तरा है। इनको NSA के ख़िलाफ़ रासुका लगा के इनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए ताकि ये जो और जहर ना फैला सके। अहमदाबाद में हमने मेमोरेंडम इसीलिए दिया कि क्योंकि ये अब जो है कि टेक्नोलॉजी से ये चीज़ बहुत ज़्यादा फैल जाती है।